हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ओमना कोटिल ओरल ड्रॉप के बारे में, जो कि इस ड्रॉप को बच्चों के कई सारे समस्याओं में प्रयोग की जाती है और एक सपोर्टिव मेडिसिन है, जो कि आगे बात करेंगे इसके बारे में। और हम बात करेंगे और किस किस प्रॉब्लम्स में यूज कर सकते हैं, क्या इसका प्राइस है, कैसे यूज करना है और क्या इसका साइड इफेक्ट है, इन सभी के बारे में बात करेंगे हम इस वीडियो में। शुरू करने से पहले अगर चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। ये ओमना कोटिल ओरल ड्रॉप जो कि मैकलियोड कंपनी की है और इसके प्राइस की बात करें तो 39 रुपए है, जो कि 10 ml पैक में अवेलेबल है। दोस्तों ये ड्रॉप आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पर बहुत आसानी से मिल जाएगा, तो आप वहां से परचेज कर सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में। तो हम देखते हैं पेरिनिसोलोन सोडियम फास्फेट 5 mg। दोस्तों ओमना कोटिल ड्रॉप जो कि बच्चों के सबसे बढ़िया ड्रॉप है और ये ड्रॉप दवा की रिस्पॉन्स को बढ़ा देती है। चलिए हम बात करते हैं और किन किन प्रॉब्लम्स में यूज कर सकते हैं। नंबर 1, बच्चों को किसी भी तरह की एलर्जी हो उसमें यूज करवा सकते हैं, जैसे कि सर्दी हो, खांसी हो, नजला हो, तो इस कंडीशन में इस ड्रॉप को दी जाती है, जो कि बच्चा तुरंत ठीक हो जाता है। मतलब कि इसको डायरेक्ट नजला, खांसी, जुखाम में नहीं दे सकते, इसके साथ एंटीकोल्ड और एंटीबायोटिक भी लगानी पड़ेगी, क्योंकि ओमना कोटिल ड्रॉप सपोर्टिव दवा है। एंटीकोल्ड और एंटीबायोटिक के साथ लगाई जाती है इस ड्रॉप को और ये एक स्टेरॉइड ड्रॉप है। नंबर 2, शरीर में कहीं भी इन्फ्लेमेटरी कंडीशन हो, हार्मोन डिसऑर्डर हो। नंबर 3, गले में खराश हो तो इस कंडीशन में भी दी जाती है। नंबर 4, बार बार छींक आना। नंबर 5, बुखार कई दिनों से ना उतरना, तो उसमें भी दी जाती है, तो सपोर्टिव मेडिसिन में दी जाती है इसको। नंबर 6, रेडनेस की समस्या हो। नंबर 7, स्वेलिंग हो। नंबर 8, खांसी की समस्या हो। नंबर 9, अस्थमा की समस्या हो। नंबर 10, स्किन की समस्या हो। नंबर 11, आईज डिसऑर्डर हो। नंबर 12, लेंस में इन्फेक्शन हो। नंबर 13, एलर्जी कंडीशन हो। तो दोस्तों इस ड्रॉप को इन सभी समस्याओं में प्रयोग की जाती है, जो कि एक सपोर्टिव मेडिसिन है, जो कि और मेडिसिन के रिस्पॉन्स को बढ़ा देता है ये ड्रॉप। और ये ड्रॉप फॉर्म में, सिरप फॉर्म में और टैबलेट फॉर्म में अवेलेबल है। चलिए हम बात करते हैं इसको डोज के बारे में कैसे करें। तो दोस्तों ये ड्रॉप को डॉक्टर अपने अकॉर्डिंग बच्चे के एज, वेट और कंडीशन को देखकर डोज देते हैं। तो इस ड्रॉप को सेल्फ यूज ना करें, डॉक्टर से एडवाइस लेके ही यूज करें। दोस्तों वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि जो भी प्रोडक्ट हम यूज करना चाहते हैं उनका साइड इफेक्ट हमें मालूम होना चाहिए और साथ ही साथ उनकी पूरी जानकारी भी होनी चाहिए। और अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में। तो दोस्तों इस ड्रॉप के कोई बड़ा साइड इफेक्ट नहीं देगा, अगर बाद यूज करते वक्त इनमें से कुछ भी दिखे, जैसे कि स्टोमेज अपसेट, लूज मोशन, वेट गेन होना, तो इस ड्रॉप को यूज करना बंद कर दें और डॉक्टर से कंसल्ट करें। ठीक दोस्तों, ये था आज हमारा वीडियो ओमना कोटिल ओरल ड्रॉप के बारे में, जो कि बच्चों का सबसे बढ़िया ड्रॉप है और काफी अच्छा रिजल्ट देखा गया है। और दोस्तों इसमें और भी कई फॉर्म अवेलेबल है, जैसे कि ओमना कोटिल ओरल ड्रॉप, ओमना कोटिल सिरप, ओमना कोटिल फोर्ट सिरप, ओमना कोटिल 5 mg टैबलेट, ओमना कोटिल 10 mg टैबलेट, ओमना कोटिल 20 mg टैबलेट, ओमना कोटिल 30 mg टैबलेट, ओमना कोटिल 40 mg टैबलेट भी अवेलेबल है। तो इत्यादि भी परचेज कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों अगर आपको किसी भी दवाई से संबंधित जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।